हमारे चौके में तो कई लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो घुस करके लोग, महाराज इन्होंने तो हमारे लिए घुसने नहीं दिया, हमारी ओर देखते तो हम ही बुला देते, तुम घुसने के लिए आए हो। इसलिए जब तक हम उस व्यक्ति श्रावक ने पड़गा लिया है तो उसका भी तो रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मानते ही नहीं, घुस जा तो अब घुसना नहीं और गुस्सा नहीं करना। आपके घुसपेट को देख करके हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन कर नहीं सकता, ये बात, ये हमारी कमजोरी है। आपका, आप लोगों का घुसपेट इतना तेज रहता है, चौके वाले जो मालिक है वही रह जाता है कई बार, समझे, कितना संतोष प्राणी। वो कहता है भैया इतने घसपोट हो रहा है, कौन जानता है, मेरा चौका रहता था, बिल्कुल निरंतर होना चाहिए कहीं भी हो। धन्य है, इसको बोलते हैं बिन सामी वाला। ग्रस्त के पास भी क्षमता बहुत रहती है, इसलिए आप श्रावक बने हो बहुत अच्छा है, और श्रवण बनने के लिए अभी बहुत अंतराल है, ये अंतराल को आपको ही दूर करना है, हमारे पास ये क्षमता नहीं, भगवान के पास भी एक क्षमता नहीं, क्योंकि ना खून में खून है ही नहीं। अब तो इसका नंबर आने वाला है, क्या कह रहे हैं, खून है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका नंबर काय के लिए, पुनर्जन्म के लिए, मरण कहने से आप लगे अब शकुन हो जाए, इसलिए पुनर्जन्म ने मरे बिना जन्म ही नहीं होता, इसलिए आपके पास बुद्धि उतनी तो होना चाहिए जितनी हम पहचान सके। आपके वह पहचान हम उस नाखून के माध्यम से नहीं, खून के माध्यम से देखते हैं। और भी कई साधन हैं, आप कषाय करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी पहचान हो जाती है, कितनी करना आवश्यक है कितनी नहीं करना आवश्यक है, ये सारा सारा आप लोगों के ऊपर आधारित है। इसलिए ये नियम सार की गाथा सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, जानने योग्य है, क्या करने योग्य है वह ढूंढना, पहचानना और उसको जीवन विस्तार देना बहुत कठिन है। सुनार बनिए तभी इसमें कितना सोना है तोल के रूप में आपको ज्ञात हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमें भी पूर्ण हो जाए, आप लोगों की अब चिंता ज़्यादा करना भी ठीक नहीं।